वायनाड पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जनसभा को किया संबोधित। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं प्रियंका। वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, वायनाड की जनता का जताया आभार, कहा आप लोगों ने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा राहुल गांधी का साथ। राहुल गांधी का वायनाड की जनता को संबोधन, कहा हर बार प्रियंका ने मेरे लिए किया प्रचार, आज प्रियंका के लिए मिला प्रचार करने का मौका। प्रियंका के लिए कहा बेस्ट पॉसिबल एमपी यू कुड गेट। महाराष्ट्र बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बयान से महायुति में अनबन के आसार, बोले जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप, बोले मुझ पर उद्धव सरकार के खिलाफ झूठा हलफनामा दायर करने का बनाया दबाव। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर, सपा ने जारी किया नया पोस्टर, लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर में हुई मायावती की एंट्री, लिखा जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण, 2 महीने तक चलेगी यात्रा, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में पदयात्रा करेंगे केजरीवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू का बयान, वक्फ संशोधन बिल को लेकर कही बात, कहा नहीं लाने देंगे वक्फ संशोधन बिल। ऋषि सुनक की जगह लेंगी कैमी बेडनॉक, किसी ब्रिटिश पार्टी की लीडर बनने वाली पहली अश्वेत महिला, पीएम स्टार्मर बोले देश के लिए गर्व की बात। ईरान ने इसराइल पर पलटवार की दी धमकी, खामेनेई बोले करारा जवाब देंगे, अमेरिका बोला ईरान ने हमला किया तो इसराइल को रोक नहीं पाएंगे। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर जाफर खादर फाउर की गई जान, आईडीएफ ने एक पोस्ट में लिखा एलिमिनेटेड, लेबनान से हिजबुल्ला से जुड़े लोग पकड़े। लेबनान को इसराइल का मुंह तोड़ जवाब, भीषण हवाई हमले का किया पलटवार, 70 से ज्यादा की गई जान। बांग्लादेश में हो जाएगा अंधेरा, अडानी की चेतावनी, बिल चुकाओ नहीं तो काट देंगे बिजली सप्लाई। महंगा होगा खाने पीने का सामान, एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाएंगी कीमत। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को केंद्र ने दी वित्तीय मदद, कई वित्तीय और परिचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है कंपनी। मुंबई टेस्ट में भी मिली भारत को शिकस्त, 121 रनों पर सिमटी भारत की दूसरी पारी, न्यूजीलैंड के हाथों पहली बार घर में गवाई 3-0 से सीरीज। फिल्म भूल भुलैया 3 ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन फिल्म ने 36.50 करोड़ रुपए कमाए। धमकियों के बीच हैदराबाद पहुंचे सलमान खान, ताज फलकनुमा पैलेस में शुरू की सिकंदर की शूटिंग।